फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इतनी रात को लाइव आने का एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। कितने? 40। और ये लोग हमारी हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। आज जो हम लोग चैन से सोते हैं, जो हम लोग एकदम लापरवाह घूमते हैं बिंदास, ये इनके वजह से है। और ये भी किसी के बेटे है, किसी के पति है, किसी के फादर है, किसी के भाई है, किसी के, मतलब यार ये समझ क्यों नहीं रहे कि इस्लाम के नाम पे ये इस्लाम का सहारा लेके ये दहशत गर्द उनके कंधों पे रख के दहशत की दुकान चला रहे हैं। अरे जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो और हमारे फौजियों की लाशें बिछी हो, वो अल्लाह की राह हो ही नहीं सकती है। ना तुम्हें 70 हूरें मिलेगी, सीधा तुम जहन्नम में ही जाने वाले हो। मेरे अल्लाह ताला ने कहा, कुरान में भी लिखा है, ये जो बेगुनाह लोगों की जो जाने ली जा रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और आज हम सब हिंदुस्तानियों को एक होके इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनकी आत्मा को शांति दे, इनके घर वालों को सब्र दे। और ओ नरेंद्र मोदी जी, कहां गए आपके वो वादे के एक सर के बदले 10 सर? नहीं चाहिए हमको आपके 15 लाख रुपए, नहीं चाहिए हमको विकास, नहीं चाहिए हमको कुछ भी, हमको चाहिए बदला, हमारे ये फौजियों की जान का बदला, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आज बहुत तकलीफ भी हो रही है, बहुत शर्म भी आ रही है कि हम लोग हमारे घरों में आराम से बैठे हैं और वहां पे जब उनके घर वालों को पता चलता होगा, कि फोन आता होगा कि भाई आपका बेटा या आपका पति शहीद हो गया है, पर ऐसे शहीदों को झुक के सलाम करने को भी दिल करता है कि आप लोग रियल हीरो हो और आप लोगों की वजह से हम लोग जिंदा है और हम लोग सांस ले पा रहे हैं। अल्लाह आपको जहां भी हो आपको बहुत बहुत सुकून पहुंचाए और आपके घर वालों को बहुत हिम्मत दे। दुआ में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।